नमस्कार, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में 2 साल पूरे होने पर एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने वार्ड पार्षद गिरिराज शर्मा के वार्ड नवासी का दौरा किया और वहां की जनता से जाना कि 2 सालों में कितना काम किया गया। इस दौरान जनता ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। रोड वगैरह, लाइटिंग, सब उनका काम बढ़िया है, अच्छा काम है गिरिराज जी का। अच्छा व्यवहार है सर इनका। समस्या क्या अभी वार्ड में? अब तो कुछ सोल्व कर दी पूरी, अब तो साफ हो गए। पहले रोड नहीं थी, लाइट नहीं थी, नालियां नहीं थी, सब कुछ नहीं था। अब तो सब कुछ सही कर दिया। हाँ, अच्छा हो रहा है काम। संतुष्ट है पार्षद से? हाँ, 10 में से कितने नंबर देंगे पार्षद? है गिरिराज जी, काम करवा रहे हैं? हाँ, करवाते हैं बेटा। कैसा हो रहा काम? नहीं, बढ़िया होता है। अच्छा हो रहा है? हाँ, बोलते ही। अच्छा, पार्षद के पास समस्या लेकर के जाते हो, सुनाई करते हैं आपकी? हम कोई समस्या नहीं ले जाएंगे क्या? अच्छा, वो तो खुद ही आ जाते हैं पूछने को। व्यवहार कैसा है? बढ़िया। क्या नाम है आपका? अंगूरी देवी। आपके जो पार्षद है गिरिराज जी, कैसे काम कर रहे हैं? सही है। अच्छा करा रहे काम? क्या समस्या है आपके पास? समस्या क्या आपके पास? समस्या हमारे तरफ से तो कुछ भी नहीं है। पार्षद के पास समस्या लेकर जाते हो तो सुनवाई करते हैं आपकी? सुनवाई तो करता है। व्यवहार कैसे है? व्यवहार हमारे घर की जैसे व्यवहार है। हाँ, कोई काम पड़ता है तो फोन करते तो आ जाता है तुरंत। क्या नाम आपका? पवन कुमार। कहाँ रहते हैं आप? यही रहते हैं, दुकान पे पीछे, प्लॉट नंबर। पार्षद कैसे काम करा रहे हैं? सही है, सही हो रहा है। अच्छा हो रहा है काम? सही है। जब समस्या तो कोई इच्छा कौन है? समस्या कुछ भी नहीं है। समस्या कहें जी, चार सही थे, कोई दिक्कत होगा इच्छा कौन भाई, कोई कंप्लेंट? सफाई वगैरह? सफाई भी आ रही है लेकिन अभी बीच में थी, थोड़ा सा गाड़ी कम आ रही थी। और तो बाकी तो सफाई पहली चीज पहले चल रहा था, जैसे चल रहा है भाई, जैसे पहले चल रहा था वैसे अभी चल रहा है। कोई दिक्कत तो कोई ज्यादा थी कंप्लेंट? अच्छा कौन है कि भाई कोई ज्यादा गंदगी हो रही है, गाड़ी आ रही है? पिछले 2 साल में कुछ काम हुआ वार्ड में यार? रोमान तो कोई ऐसे नोट ही नहीं करे थे, देखे कोई काम करते यार। लेकिन यार जब पहली बार हमें कोई समस्या भी आती कौन है, पहले तो फिर भी आए दिन जैसे रहती थी गाड़ी आ रही नहीं है तो नहीं आ रही थी। अब तो वो लेट सेट आती लेकिन आ तो जाती है भाई, बीच में कभी गायब हो जाती तो। ये पानी डेली डेली निकलता है यहाँ से, और ये नालियाँ सब टूटी फूटी, आते हैं साफ करके जाते हैं और इनको वापस तोड़ के चले जाते हैं। हम बनाते हैं फिर तोड़ जाते हैं। निगम की तरफ से कुछ भी नहीं है, कोई सफाई नहीं। ये हमने खुद ने बनाई है, देखो। उदय भी आपके पार्षद ने पिछले 2 साल में क्या काम कराया वार्ड में? अब भाई ये तो हम नहीं जानते, पर काम बढ़िया कराते हैं। हाँ, साफ सफाई रहती है? हाँ, कचरे की गाड़ी आती है? हाँ, गाड़ी से बराबर आती है। अभी क्या समस्या है वर्तमान में? समस्या सही है यार, मैं तो यहीं घूमता रहता हूँ, काम तो सही करवाते हैं। समस्या लेकर जाते हो, सुनवाई होती है पार्षद के? हाँ, सुनाई। कहाँ रहते हैं? सांगानेर महावीर नगर भाई। आपके जो पार्षद है कैसा काम करा रहे हैं? बहुत बढ़िया काम करवा रहे हैं। अच्छा काम? अच्छा, हो रहा है? बिल्कुल बहुत बढ़िया काम। 2 सालों में कुछ काम हुआ? हाँ जी। क्या हुआ? हमारी सिविल लाइन को और साफ सफाई कचरे का और हर एक तरह से सेफ रोड का भी करवा रहे हैं। तो अभी समस्या क्या आपकी वार्ड में? हमारी समस्या यही है कि ये रोड बन जाए, पर रोड काम करवा रहे हैं, रोड का टारगेट हो गया। साफ सफाई रहती है वार्ड में? हाँ जी, साफ सफाई रहती है वार्ड में। पार्षद के पास कभी कोई समस्या लेकर गए तो सुनवाई हुई? बिल्कुल। व्यवहार कैसा है पार्षद? बहुत बढ़िया व्यवहार है, अच्छा व्यवहार है। तो 10 में से कितने नंबर देना चाहिए? 10 में से 10 दे दूँ आपको। क्या नाम आपका? कल्याण साई। आपके जो पार्षद है कैसा काम करा रहे वार्ड में? गिरिराज जी शर्मा अच्छा काम किया है, दाराबाड़ी कच्ची बस्ती के अंदर। क्या काम किया? हमारे रोड बनवाई, ये काम किया है। लाइट वगैरह? लाइटें लगवाई हमारे। कोई समस्या लेकर जाते हो सुनवाई करते हैं? कर लेते हैं सुनवाई करते हैं। हाँ, संतुष्ट हैं पार्षद से? हाँ। पहले के जो, क्या नाम आपका? रामदास। कहाँ रहते हो आप? मौजेपुर गेट कच्ची बस्ती में जी। आपके जो पार्षद है गिरिराज जी कैसा काम? ठीक है अभी तो। अच्छा हो रहा काम? क्या हुआ काम? काम तो लाइट वगैरह, रोड वगैरह। धीरज। कहाँ रहते हो आप? कच्ची बस्ती में। आपके जो पार्षद है गिरिराज जी कैसा काम करा रहे वार्ड में? बढ़िया करा रहे। अच्छा हो रहा काम? हाँ। कुछ हुआ काम? वो है ना, रोड बनाई, लाइट लगवाई। समस्या क्या आपके वार्ड में अभी? अभी तो नाली की समस्या, बस नाले बन जाए। पार्षद के पास समस्या लेकर जाते हैं कभी आप लोग तो सुनाई होती है आपकी? होती तो ऐसे कहते हैं मनाएंगे 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 बस। पार्षद वार्ड का दौरा करते हैं? पार्षद आते हैं आपके वार्ड में? आता। व्यवहार कैसा पार्षद का? बहुत बढ़िया व्यवहार। महावीर।
आपके जो पार्षद है कैसा काम करा रहे हैं मैडम? हमारे गिरिराज जी पार्षद है, वो बढ़िया काम कर रहे हैं इस टाइम में। हाँ बढ़िया, सुनाई होती है बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। हाँ काम, ये वो बहुत गंदगी थी भी यहाँ कॉलोनी में, उसमें बहुत रोड भी बनी हुई है, लाइटें भी लगाई है, बस बढ़िया काम कर रहे हैं। ये दादाबाड़ी फाटक, रामपुरा रोड, कच्ची बस्ती। जयपुर नगर निगम ग्रेटर वार्ड नंबर 89 का दौरा करने के बाद अभी हम मौजूद है वार्ड नंबर 89 के पार्षद के पास, जिनका नाम है गिरिराज शर्मा। आइए जानते हैं पिछले 2 साल में यहाँ के जो पार्षद हैं इन्होंने कितना क्या कार्य सफल किया और क्या समस्याएं बची है। सबसे पहले तो गिरिराज जी, मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा एक्सप्रेस न्यूज भारत। नमस्कार। और जानना चाहूँगा कि 2 साल का जो कार्यकाल रहा आपका कैसा रहा? देखिए, कार्यकाल जो है बहुत सी चुनौतियाँ, जब हम पार्षद बने तो बहुत सी चुनौतियां लेकर हम यहाँ पर आए, बहुत सी चुनौतियों का हमने सामना किया। जहाँ पर जब बाढ़ को जिस समय हमने यहाँ पे अपने हाथों में लिया इसकी सेवा करने का काम, उस दिन ना सीवरेज, ना नालियाँ, ना रोड, किसी प्रकार की मतलब बाढ़ के ना लाइटें थी, कचरा संग्रहण की डोर टू डोर जो थी पूरी कड़ी टूट चुकी थी, उसको बिल्कुल बदहाल हालत में हमने इसको बाढ़ को हाथों में लिया। और जब हम हाथों में लेने के बाद में जब से काम कर रहे हैं तब से इसमें हमने आज तक 70% तक कामयाबी पाई है। गिराजी, हम जब वार्ड का दौरा कर रहे थे तो काफ़ी समस्याओं का हमें भी देखने को मिल रही थी, चाहे वो तारों की समस्या हो, चाहे वो साफ सफाई को लेकर हो, तो उस समस्या का किस तरीके से निपटान करेंगे आप? देखिए, तारों के लिए हमने जो बात करी तो वो एक बार हमसे विद्युत विभाग वाले से उनसे बात भी हुई थी, तो वो 60-40 का इनका ये रहता है कि 60% हो सकता है हम लोग पैसा जमा कराए, तो स्वयं को जमा कराना पड़ता है। उसके लिए हमने अभी श्यामपुरी 2-3 कॉलोनियों में उसमें तार ऊपर भी करवाए, लेकिन कमला नगर के और अपने महावीर नगर के से करके मैंने लगभग 5 बार विद्युत विभाग को लेटर दे चुका हूँ पार्षद होने के नाते, और मैंने ऊपर हमारे जो है और विधायक गण उनको भी अवगत कराया था इस मामले के लिए कि भाई ये तार वास्तव में या तो सब में केबल डल जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे विद्यालय हैं और यहाँ पे फैक्ट्रिकल एरिया भी है, लोग बाग या काम धंधा ज़्यादा, सांगानेरी प्रिंट जो सांगानेरी की आत्मा है वो सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे काम होता है तो मेरे वार्ड में होता है, तो यहाँ पे लेबर कास्ट लोग जो ज़्यादा रहते हैं, आते हैं जाते हैं, तो आवागमन में भी कहीं ना कहीं बाधित होते हैं लोग, तो ये तो सारी अंडरलाइन कराने का भी हम प्रोसेस कर रहे हैं कि सारी अंडरग्राउंड हो जाए। देखिए, आपके वार्ड में सीवरेज की भी समस्या देखने को मिल रही है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे, कब तक हो पाएगा उसका निपटारा? जी बिल्कुल, ये सीवरेज की जो समस्या है ये मेरे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या है और सबसे बड़ी चुनौती भी है। सीवरेज को लेकर हमने काम जब शुरू किया तो जिस दिन हमने शुरू किया था आज से 2 साल पहले, तो यहाँ पर ऐसी हालत थी कि पूरा जो फैक्ट्रिकल एरिया होने के साथ साथ अभी जो ट्रीटमेंट प्लांट पे जो लोगों का वो भी हो चुके हैं, कनेक्शन भी हो चुके हैं, लेकिन लाइनें चालू होने नहीं होने के कारण तो फैक्ट्री का पानी भी उसी के अंदर जा रहा है, उसके कारण गम और जूट वो मिक्स होकर जमा हो जाता है, और पहले जो आबादी थी वो कम थी, अब आबादी बढ़ गई। आज से जब 25 साल पहले सीवर लाइन डली तब से लेकर आज तक उसमें ये हुआ कि 6 इंची की लाइन डली हुई है, उसके कारण आए दिन वो चोक होती है। हम नगर निगम में सीमित संसाधन होने के बाद भी, अब अगर वार्ड 89 की आप बात करेंगे तो आप ITI लगा के चेक करें कि सबसे ज़्यादा संसाधन उपलब्ध कराने का काम हमने वार्ड 89 में किया। अब इस समस्या के लिए हमने एक डायरेक्ट क्रॉस लाइन जो लगभग 5 करोड़ रुपए के आसपास डलेगी नगर निगम द्वारा, तो वो एक सीधी यहाँ से लेकर अमानिशाह नाले तक एक लाइन डलाने का प्रोसेस भी हमारा चल रहा है। मुख्य समस्या क्या आपके वार्ड में? मुख्य समस्या मेरे वार्ड में सीवरेज की है कि पुरानी लाइनें हैं और पुरानी लाइनें होने के कारण वहाँ 6 इंच की लाइनें हैं, लाइनें पूरी वो हो चुकी है, तो इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि पूरी लाइनें डल जाए। लाइनें डलने के बाद में रोड और हमारी जो लाइटिंग में हमारा वार्ड ठीक है, और कोई डोर टू डोर कचरा संग्रहण में भी जो संसाधन नहीं मिल पा रहे, 2 ऊपर देते हैं। अब हमारे वार्ड में जो लोग ज़्यादा रहते हैं, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, सब चीज़ होने के साथ साथ यहाँ लोगों का आवागमन भी ज़्यादा रहता है, विद्यालय अधिक है, यहाँ पर 15 विद्यालय हैं मेरे वार्ड में, तो लोग कचरा भी ज़्यादा होता है, तो इसके लिए संसाधन वही 2 ऊपर जो मिलते हैं वही मिल रहे हैं, तो हमने मांग की है नगर निगम से भी कि हमारे ऐसी संख्या को देखते हुए, जनसंख्या को देखते हुए हमारे यहाँ ऊपर बढ़े, और उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। सड़क निर्माण की अगर बात करें तो कितना प्रतिशत कार्य हो चुका है? देखिए, सड़क निर्माण की बात अभी करें हम तो पहले जो हमारे NCAP से पैसा मिला उससे पहले हमारे 38 लाख रुपये के ARC का फंड था, वो नगर निगम के सहयोग से हमने वो काम भी करवा के और रोडें बनवाई। फिर हमारे NCAP का जो पैसा मोदी जी के द्वारा जो मिला उसको लेकर भी हमारे महापौर के सहयोग से हमने वो काम भी करवाया। उसके बाद में अभी ये 3 करोड़ 75 लाख रुपए के जो काम है वो हमने
JDA की मदद से वो करवाया। इसमें ये बाकायदा यू ओ नोट भी जो है नगर JDA के द्वारा आया है और इसमें साफ लिखा है कि पार्षद के उस पर अनुशंसा पे काम हुआ है। उसके बाद में 75 लाख रुपए के काम जो है हमारे और अभी जो चल रहे हैं जिसका मुहूर्त हम 2-4 दिन में ही करने वाले हैं। 75 लाख का ये कह रहे हैं कि साहब अभी 50 लाख का ही हो रहा है, 25 लाख का 1 महीने बाद होगा, तो 50 लाख का कार्य बहुत जल्दी हमारा शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ हमारे जो नालियों की जो सफाई का काम था जो पिछले 10 वर्ष में आज तक कभी नहीं हुआ, आप आम जनता से जाके पूछेंगे तो वो भी यही कहेंगे। तो नाला सफाई जो बरसाती नाले थे उनको सफाई करके हमारे जो यहाँ पानी भरता था पूरा, उसमें काफ़ी हद तक हमें निजात मिली है और आने वाले साल में हमारी पूरी तरीके से इसमें भी छुटकारा मिलेगा। लाइटें कितनी लगाई जा चुकी है? लाइटें साहब हमारे वार्ड में एक भी पोल, मैं तो कहता हूँ कि भाई एक भी पोल ऐसा नहीं है जहाँ लाइटिंग नहीं है। नया पोल हमने लगवाया है, नया पोल शिफ्टिंग करवाई है, कोई पोल टूट गया उसकी लाइट के अलावा एक पोल पे भी ऐसा बाकी नहीं है जिस पे लाइट नहीं है। अगर ऐसा कहीं पर भी है तो हम तो यहाँ बैठते हैं, पूरे दिन यहाँ बैठते हैं, मेरे जो यहाँ पे कार्यालय प्रमुख राहुल जी वो बैठते हैं और कोई भी आके नोट कराए विद इन 3 डेज में हम लाइट लगा देंगे। आपके वार्ड में बात करते हैं कि 3 साल का जो कार्यकाल बचा है आपका, तो फ्यूचर प्लानिंग क्या है एक आदर्श वार्ड बनाने के लिए? बिल्कुल साहब, आदर्श वार्ड बनाकर रहेंगे और पूरी जो मैं आज आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, मेरी वार्ड की जनता को भी ये कहना चाहूँगा कि आपका जो सेवक है, आपका जो वकील है, ये मजबूत है और आप मेरे पे विश्वास रखें। मैं आने वाले 3 साल के अंदर इस वार्ड को बेहतर से बेहतर बनाकर दूंगा और अभी मेरे पास सीमित संसाधन और सरकार नहीं होने का भी मुझे बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ रहा है कि कई लेटर होते हैं, कई काम होता है, कई नहीं होता है और उसके साथ साथ अभी नगर निगम का भी जो कोटा है बहुत कम हमें मिल रहा है, इसको भी हम बढ़ाने की अब की बार बोर्ड मीटिंग में हमारी बात चल रही है कि हमारा ये कोटा बढ़े और पार्षद कोटे के पैसों को भी हम ज़्यादा बढ़ाकर और उसको काम करवाने का प्रयास करेंगे। वार्ड में यही है कि जब तक मेरे पूरे 5 साल पूरे होंगे एक भी रोड ऐसा नहीं रहेगा जो रोड मेरे कार्यकाल में नहीं बनेगा, एक भी पोल ऐसा नहीं रहेगा जिस पे लाइटिंग नहीं होगी और जो सीवर की जो समस्या है वो पिछले 25 साल से है वो एक समस्या भी सीवर की इस वार्ड में नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा पूरा जनता से विश्वास जो जनता ने मेरे पर जताया है उसमें मैं खरा उतरने का प्रयास करूँगा। 2 साल पहले आपके वार्ड में समस्या क्या थी? दो साल पहले जब मैं आया तो यहाँ की सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी करप्शन की। करप्शन को लेकर हमने काम किया कि हमारा जो वार्ड में जो भी जिस प्रकार से जो पहले जो चल रहा था उस गतिविधियों को हमने बंद कराने का काम किया। इसके साथ ही हमारे जो शिविर की जो समस्या थी तो एक तरफ से हमने सफाई करके पूरी लाइन की 2 साल के अंदर हमने 2 बार पूरे वार्ड की लाइनों की सफाई करा दी और सबसे बड़ी जो समस्या थी नालियाँ जो थी बरसाती नाले चौक थे तो पूरा पानी भरता था घरों के अंदर, उस नालों को हमने 2 साल में पूरा सफाई कराने का प्रयास किया और पूरे नाले सफाई होने से आज वो बरसाती पानी बहुत कम हद तक वो हो रहा है। कई नालियाँ नहीं बनी हुई, वहाँ नालियाँ बने। सबसे मूल जो समस्या थी वो शिविर की थी, रोड पर जगह जगह गड्ढे थे, इसीलिए हमारी ये यहाँ पर रोड JDA के सहयोग से, नगर निगम के सहयोग से, NCAP के, हमारे जो पैसों के मोदी जी के सहयोग से और हमारे पूरे उसके सहयोग से काम जनता के आशीर्वाद से हो रहे हैं। वार्ड की जो जनता है, जनता से अपील क्या करना चाहेंगे? मैं वार्ड की जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि मैं आपकी सेवा के लिए बिल्कुल अपने वचनबद्ध हूँ और तटस्थ हूँ। यहीं रहकर जो मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं यहीं रहकर आपको सेवा करूँगा और जैसा मैं स्थानीय नहीं होने के साथ साथ आपने उसके बाद में भी मुझे यहाँ पर अपना प्यार दिया, दुलार दिया और मुझे अपनाया, तो मैं आज आप लोगों का कर्जदार हूँ और मैं आज 2 साल में भी मैंने सेवक बन के काम करने का प्रयास किया है और आने वाले 3 साल में भी मैं यही कहूँगा। जनता मेरे पे आज से 1 साल का विश्वास और करे, बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंजिंग होने वाली है, बहुत सारे लोग जो है हमारे बदलने वाले हैं, अधिकारियों का जो लहजा है वो भी बदलने वाला है और कार्य प्रणाली भी बदलने वाली है। 1-2 साल के अंदर वार्ड की पूरी समस्याओं को मैं निपटाने का प्रयास करूंगा और आपके पास ही आने वाले 2 साल में मैं आपके साथ आपके चैनल के माध्यम से जनता से फिर से आप पूछेंगे तो आपको अगर कहीं पर मानता हूँ कि काम कहीं कम हो रहे हैं, कई लोग राजनीतिक करने के साथ साथ अपने वार्डवासी मेरे भोले भाले लोग हैं उनको भड़काने का भी काम करेंगे, पार्षद ये नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा, क्या पार्षद जनता के बीच में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा? मेरी कहीं पर भी अगर कोई भी एक व्यक्ति यहाँ आया और ये कहे कि पार्षद ने हमारी सुनवाई नहीं की, ये काम नहीं किया, और जितना मेरे होने में वो काम प्रयास करूँगा, जो नहीं होने का है वो भी काम करने का प्रयास करूँगा, लेकिन वो किसी प्रकार से लोगों के बहकावों में आकर कोई भी गलत ना कदम उठाए और मेरे पर विश्वास बनाए रखे, यही मैं जनता से अपील करना चाहूँगा। राजनीति में कब से सक्रिय है? राजनीति में मैं पिछले 15 साल से
सेवा के रूप में काम कर रहा था, मुझे तो यही पता नहीं लगा कि मैं कब राजनीति में आ गया और जनता ने ही मुझे चुनाव लड़ा दिया। मैं एक सामान्य सा मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं जिस वार्ड में आज से 99 की जब बात है, मैं इस वार्ड में प्याऊ लगाने आया था सर। और उसके बाद में जब आज मेरे संघर्ष करते करते मैं पिताजी नहीं होने के बावजूद भी लोगों का जो इतना प्यार दुलार रहा कि आज मैं इसी वार्ड में मुझे पार्षद बन के बिठाया है, तो मेरे ऊपर बड़ी चुनौती है और बड़ा मेरे ऊपर कर्ज है कि मैं इस जनता का कर्ज कैसे चुकाऊं। और लोगों ने मुझे पता ही नहीं चला कि कब राजनीति ज्वाइन करा दी, कब मुझे पार्षद बना दिया। यह है कि मुझे जनता का बहुत प्यार मिला। आगामी विधानसभा चुनाव में उसको किस तरह से देखते हैं? आगामी विधानसभा चुनाव में अगर मेरा वार्ड बीजेपी का है तो मेरे लिए ज़्यादा चैलेंजेबल है, क्योंकि जिस वार्ड का पार्षद जहाँ होगा तो उस वार्ड के उस पार्टी को उसका नुकसान और फायदा दोनों मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे वार्ड से जो मेरे को लीड मिली उससे बेहतर लीड मिले, मेरे से पहले जो लीड मिली उसको बेहतर लीड मिले और संगठन को पूरा मजबूती से हम जिताने का प्रयास करेंगे। एक व्यक्ति पार्षद के नाम से नाराजगी व्यक्त ना करे, चुनाव में ऐसा हम प्रयास करेंगे लोगों से डोर टू डोर संपर्क करके समस्या जानकर। देखिए, ये थे हमारे 7 वार्ड निवासी के पार्षद जिनका नाम है गिरिराज शर्मा।